दैनिक भास्कर ग्रुप द्वारा मधुरिमा क्लब का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था की संयोजक डॉक्टर वंदना शर्मा और संध्या त्रिपाठी विशेष रूप से मौजूद रहे। और आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे समझ। संध्या जी ने जो भी बातें कही वो आज समाज में कुछ की क्लब का है। क्योंकि हम सभी आज जो हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, तो क्या वाकई में आज महिलाएं सशक्त हैं? एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, क्या वाकई में आज महिलाएं सशक्त हैं? किसी हद तक पॉजिशंस हैं। अगर हम न्यूज़पेपर उठाकर देखें तो 4 महीने की बच्ची, 6 महीने की बच्ची के साथ कुछ होता है तो सबसे पहले पाबंदी हम अपने घर की बच्ची पर लगाते हैं। अरे ये हो रहा है तुम बाहर मत निकलो, वो हो रहा है तुम बाहर मत निकलो, ऐसा हो रहा है तुम बाहर नहीं निकलो, क्यों भाई? एक तरफ तो समाज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, दूसरी तरफ बच्ची है, बच्चियों का क्या दोष? तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही कहूंगी कि पेरेंट्स, जो हमारी एजेंसी है एजुकेशन की, परिवार, आपको सभी को पता होगा कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी हूँ और शिक्षा की 3 एजेंसीज होती हैं, अभिकरण हिंदी में बोलते हैं, परिवार, दूसरा हमारा विद्यालय, तीसरा समाज। आज इन तीनों को बहुत जरूरी है मिलकर वर्क करना, क्योंकि बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीख रहा है? परिवार से सीख रहा है। सीख कर वो कहाँ जा रहा है उस चीज़ को? विद्यालय में। और विद्यालय की जो चीज़ सीखी है उस चीज़ को कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा है? समाज में। तो जो चीज़ वो स्टार्टिंग से सीख के जा रहा है वही अपना दे रहा है, तो जो उसको इनपुट मिल रहा है वही तो हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पेरेंट्स सभी बैठे हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि आपका बेटा हो या बेटी, उसको संस्कारवान बनाइए। निश्चित ही पेरेंट्स वो कड़ी हैं जो अपने बच्चे में क्या अच्छाई है क्या बुराई है उनको निश्चित ही दिखाई देता है। मैं नहीं मान सकती कि मेरे 2 बेटे हैं कि अगर वो कुछ गलत करते हैं, अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो मुझे डेफिनेटली पता है कि ये गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, तो उनको वहीं रोका जाए ना। अगर वो किसी लड़की को गाली दे रहे हैं, किसी लड़के को गाली दे रहे हैं, गलत नज़र से देख रहे हैं, तो जब तक पेरेंट्स नहीं रोकेंगे तो स्कूल भी नहीं रोकेगा ना समाज में, फिर वहीं देंगे वो। इसलिए ज़रूरत है आज अपने बेटों को रोकने की, उनको समझाने की, ठीक है ना, कि बच्चियों को घर में दबाने की कि रुक जाओ, बाहर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वैसा हो जाएगा। और इस बार विद्यालय और समाज तीनों को मिलकर एकजुट होना होगा, तभी हमारे समाज में जो महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है वो खुलकर सामने आए। जैसे पहले अगर कोई गलत काम होता था तो ये होता था कि गधे पे बिठा के इसका मुंह काला करके इसको शहर में घुमा दो। अभी जो बहुत सशक्त लोग हैं वो ये दुष्कर्म करते हैं और मुक्त हो जाते हैं, तो उसके लिए हम महिला सशक्तिकरण के थ्रू क्या कर सकते हैं? सोच, मैं यहाँ पे ना राजनीति की बात करूँगी, ना मैं किसी क्लब की, ना मैं किसी ग्रुप की, मैं बस सिर्फ 4 बात रखूँगी, 4 तरह की महिलाएं। पहली, जो सुबह 5:30 बजे अपने घर का काम निपटा के 6:30 बजे दूसरों के यहाँ जाके काम करती है, वो है स्मार्ट नर। जब हम उनको बताते हैं, हम उनको सिखाते हैं, छोटे से भी वही पोटेंशियल है जो आपके साथ में पढ़ने वाले बाकी के छात्रों को। आज मेरी मैडम है, मेरी बच्ची को पढ़ाया है, आज वो जीवन साथी में। हेलो एवरीवन, जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, मेरा नाम है नंदिता जोत थकवानी और आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मेरी शादी को अभी 2.5 साल हुए हैं, उससे पहले मैं पुणे में जॉब कर रही थी और साउथ अफ्रीका भी गई। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, पढ़ाया, और यहाँ आके अच्छा लग रहा है कि ये समाज एक नई सोच की तरफ जा रहा है। इतने सारे लोग अगर किसी पॉजिटिव चीज़ में इनिशिएट करते हैं तो बहुत कुछ चेंज होना है, ऐसा लग रहा है। वाइब ऐसी हो रही है कि सब कुछ चेंज होने वाला है और इसके लिए सबके इतने अच्छे कोशिशें हैं, इतनी अच्छी सोच है। और मैं अभी मेरे जैसे IT में जॉब थी और मैं अभी ग्वालियर में हूँ, तो आई ऑल्सो लाइक टू बिजी, मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, सो आई हैव लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सो मैं अभी भी कुछ करती रहती हूँ। मेरे इन लॉज भी बहुत सपोर्टिव हैं, सो यहाँ जुड़ के अच्छा लग रहा है।
क्वालिटी।